नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक को जब हम लॉगिन करने के लिए जाते हैं, जब ऊपर अपना मोबाइल नंबर और नीचे अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक एरर शो करता है, यूज़र इज़ ब्लॉक्ड। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उसको अनलॉक कैसे करोगे और आप किस कारण से आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएँ हमारी टेलीग्राम की फैमिली में भी। तो गाइस बात करते हैं, जैसे कि मैं भी एक एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन का रिटेलर था और मैंने खुशी खुशी अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में अपनी आईडी बना ली। और दोस्तों हुआ क्या कि मैं पहले शुरुआती दौर में तो मैंने उसे बहुत अच्छे से यूज किया, रिचार्ज भी ज़्यादातर उसी से करता था और कुछ भी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं उसी से किया करता था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि बीच में जो है, जैसे कि आप सभी को बताया लॉकडाउन का टाइम था तो मैंने यहाँ पर उसको यूज़ करना कम कर दिया और जब तक उसमें पैसे रहे जब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों एक दिन जब मैं उसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एरर शो किया, यूज़र इज ब्लॉक। मैंने देखा कि ये किस कारण से हो रहा है, मैंने उसका पासवर्ड कई बार फॉरगेट करने की कोशिश की तो दोस्तों मुझे उसका कोई सलूशन नहीं मिला है। दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका भी एयरटेल पेमेंट बैंक लॉगिन नहीं हो रहा है और यूज़र इज ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस ये तो हो गई प्रॉब्लम, अब मैं आपको बता दूँ इसका क्या कारण होता है। यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी बना ली है और आप उसको लगातार यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको यदि एयरटेल पेमेंट बैंक का यदि आप रिटेलर हैं तो गाइस आपको अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को उससे रिचार्ज करना होगा, एबीपीएस यूज करना होगा और जो उसमें कुछ यानी कि आपको उसको रेगुलर कुछ ना कुछ आपको उसको यूज करते रहना होगा, तभी आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को हमेशा चला पाएंगे। यदि दोस्तों आपने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज़ नहीं किया और दोस्तों आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके साथ भी वही प्रॉब्लम आ सकती है जो मेरे साथ आई है। दोस्तों यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी एयरटेल कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये तो हो गया कि इस कारण से आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक की जो आईडी है वो ब्लॉक हुई है। अब बात करते हैं कि ये अब कैसे खोलोगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसे खोलने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हों, आपके FSC हों, आपको उनसे बात करनी होगी, उनसे बोलना होगा कि मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक में काम करना है, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, कृपया उसे अनलॉक करें। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर कंपनी को मेल करता है आपके लापू नंबर की किस नंबर की एयरटेल पेमेंट बैंक की जो सर्विस है वो फिर से स्टार्ट कर दी जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 24 से 48 घंटे में आपकी जो सर्विसें हैं वो फिर से चालू कर दी जाएंगी और आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को पहले की तरह यूज कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल ध्यान रखना कि यदि आप इसे चालू, ये लापू नहीं है कि आप 10 दिन यूज ना करो, महीना यूज ना करो, दो महीना यूज ना करो, ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये काम करने के लिए चालू किया जाता है, यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपकी सर्विसें बंद कर दी जाएंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई आपको जो जानकारी है आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।